कहते हैं सलमान के सामने अच्छे अच्छे नहीं टिक पाते, लेकिन भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह के सामने सलमान खान ही नहीं टिक पाए। जी हाँ, इस बार ईद के मौके पर पवन सिंह ने सलमान खान से सीधी टक्कर ली और इस टक्कर में पूर्वांचल में पवन सिंह की बम बम हो गई। 5 जून के दिन सलमान खान की भारत और पवन सिंह की मैंने उनको सजन चुन लिया एक साथ बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई थी। मैंने उनको सजन चुन लिया में पवन के साथ काजल राघवानी मेन लीड में थी और सबसे हैरानी की बात तो ये रही कि पूर्वांचल की जनता सलमान खान की फिल्म के ऊपर अपने स्टार पवन सिंह के फिल्म को तवज्जो दी और भारी तादाद में लोग इस फिल्म को देखने पहुंचे, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम। इस बार पवन सिंह के फिल्म मैंने उनको सजन चुन लिया को देखने के लिए हर बांध टूट गया, और ऐसा होता भी क्यों नहीं। फिल्म में पवन सिंह के अलावा काजल राघवानी, आम्रपाली दुबे, अंजना सिंह और प्रीति विश्वास के तौर पर भोजपुरी की तमाम हीरोइंस एक साथ इकट्ठा थी। बताया जा रहा है कि पवन की इस फिल्म ने रिलीज के पहले ही दिन अपनी सारी लागत निकाल ली है और फिल्म अब बेहद जबरदस्त मुनाफे में आ चुकी है। भले ही सलमान खान की फिल्म भारत ने 5 दिन में 150 करोड़ रुपए की कमाई की हो, लेकिन पवन की फिल्म मैंने उनको सजन चुन लिया ने सिर्फ पूर्वांचल की कुछ स्क्रीन्स के दम पर ही अपनी लागत से 4 गुना से भी ज्यादा मुनाफा कमा लिया है। इससे साफ है कि भले ही सलमान का जलवा पूरी दुनिया में चले, लेकिन जब पूर्वांचल की बात आती है तो यहाँ के सबसे बड़े स्टार पवन सिंह ही साबित होते हैं। इस मुद्दे पर क्या है आपकी राय, बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में। पूर्वांचल की ऐसी ही लगातार ताज़ा अपडेट के लिए भी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल पूर्वांचल लाइव को।